सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज दिव्यांश, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हमारे साथ है स्कॉर्पियो NZ8 मैनुअल डीजल 4x4। तो आज हम इसका करेंगे कंप्लीट रिव्यू। रिव्यू करने से पहले आप देखो इसके सिनेमैटिक्स जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, पहले पूरे देखो फिर मिलते हैं आगे। गाइज आपने सिनेमैटिक देख लिए होंगे, आई होप आपने इन्जॉय किए होंगे सिनेमैटिक्स। और ये हमारे बीच है स्कॉर्पियो एन का Z8 मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल है ये हमारा। और इसमें इसके साथ मिल जाती है इसकी महिंद्रा की जिसमें अनलॉक, बूट ओपन और लॉक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये टॉप से एक नीचे का मॉडल है जिसमें हमें आपको पहले दिखाया था क्या क्या चीज़ें हमें नहीं मिलती है। फर्स्टली इसमें हमें नहीं मिलता आगे का फ्रंट कैमरा नहीं मिलता, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते, एक इसमें स्टीरियो सिस्टम नहीं मिलता हमें सोनी का, और साथ में हमें इसमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलते जो हमने इसमें जो अलॉय व्हील्स हमने आफ्टर मार्केट लगवा रखे हैं। इसमें जो इसका मॉडल है Z8 कुछ चार चीज़ें नहीं मिलती, सब कुछ सेम है, बाकी छोटे मोटे फीचर्स हैं वो अंदर इंटरनल फीचर्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे वीडियो को। और भाई यहाँ पे हम आते हैं फ्रंट में मिल जाते हैं हेडलैम्प्स, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, यहाँ पे LED, यहाँ पे फ्लोटिंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नीचे की साइड में मिल जाते हैं डीआरएल फॉग लैम्प्स, और बीच में मिल जाती है महिंद्रा की बैजिंग, और साथ में मिल जाती है क्रोम। तो आओ चलते हैं साइड में, आ जाते हैं भाई साइड में मिल जाते हैं हमें इसमें ORVM फ्लोटिंग इंडिकेटर्स के साथ। नीचे मिल जाता है हमें फुटस्टेप, साथ में मिल जाती है हमें क्रोम रिक्वेस्ट सेंसर, और साथ में ऊपर मिल जाती है रूफ रेल। और आज साइड में पीछे की साइड आते हैं, इसके पीछे की साइड हमें मिल जाएगा। तो भाई पीछे की साइड आते हैं, पीछे की साइड पहले हमें मिल जाती है इसमें वॉल्वो टाइप टेल लाइट्स जिसमें फ्लोटिंग इंडिकेटर्स के साथ हमें मिलती है। और पीछे मिल जाएगी यह स्कॉर्पियो एन की बैजिंग, साथ में 4x4 मॉडल, तो इसमें हमें बोलते हैं इसे 4Explore। और यहीं पर ही साथ में हमें पीछे बैक बूट में मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन, और यहाँ पीछे मिल जाता है वाइपर। तो पीछे इसका बूट चेक कर लेते हैं। बूट में भाई आप इसमें एक दो बैग वैसे रख सकते हो, और अगर आप इसको फोल्ड करते हो, फोल्ड करके दिखाता हूँ आपको, अगर आप इसको फोल्ड करते हो पीछे सामान पड़ा है भी, तो आपको पूरा मिलता है 460 लीटर इसका बूट स्पेस। ये पूरा फोल्ड हो जाता है, यहाँ से भी फोल्ड हो जाएगा, ये भी कुछ सामान पड़ा है, पूरा फोल्ड होकर आपको पूरा मिल जाएगा 460 लीटर इसका बूट स्पेस। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। इसको करते हैं बंद, और यहाँ पे आते हैं साइड में, साइड पे आते हैं, पहले मिल जाती है इसमें एड्रेनॉक्स की बैजिंग, साथ में मिल जाता है इसमें फ्यूल टैंक में मिलता है इसमें 57 लीटर का, और साथ में ये हमारे DF का ऑप्शन। अगर हम ये हमारा अनलॉक होता है, जैसे हम गाड़ी अनलॉक करते हैं दिखाता हूँ आपको, ये लॉक की मैंने गाड़ी और ये लॉक हो गया, और मैंने अनलॉक की ये उसी के साथ अनलॉक हो गया। और इसी की साइड में यहाँ मिल जाती है पूरी क्रोम जो हमने सिर्फ कंपनी से मिले, कुछ बाहर से एड ऑन नहीं कराया। यहाँ पर हमें क्रोम मिल जाती है, नीचे हमें फुट स्टेप्स मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो एन का पूरा एक्सटीरियर जो, तो चलते हैं इसमें इंटीरियर में दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिल जाता है स्कॉर्पियो में। तो आओ भाई चलते हैं भाई इंटीरियर में पहले हमें मिल जाता है यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को महिंद्रा की लगे, यहाँ पे मिल जाता है हमें ग्रैब हैंडल, साथ में हमें यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए मिरर के लिए मिल जाता है हैंडल, और ये हमारा लॉक अनलॉक और ये मिरर अप डाउन के ऑप्शंस। तो चलो आते हैं इंटीरियर में। और भाई आते हैं इसके इंटीरियर में दिखाता हूँ वो क्या क्या मिलता है। पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर और जैकेट पहनी हुई है। और भाई यहाँ पे हमें मिल जाती है इसकी छोटी सी सनरूफ, इसको हमें मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है, हमें बंद कर लो खोलना है खोल लो। और यहाँ पे मिल जाती है हमें इसकी लाइट्स, जैसे डोर ओपन है तो अभी लाइट्स जल रही हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाता है सनग्लासेस होल्डर, और यहाँ पे पीछे का
मिरर, और आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको 4x4 के ऑप्शंस, 4x4 के ऑप्शंस दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसके 4x4 के ऑप्शंस, यहाँ पे 4 लो 4 हाई, और ये हमारा है नॉर्मल मोड। नॉर्मल के अलावा ये हमें मिल जाता है, इसको एक्टिवेट करते हैं। ये हमारा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो दिखाता हूँ, यहाँ लग गया हमारा स्नो मोड। अभी आएगा यहाँ पे स्नो मोड एक्टिवेट हो गया हमारा। और सेकंड करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है मड मोड, यहाँ पे अब शो हो गया हमारा मड मोड एक्टिवेटेड। फोर्थ है हमारा, फोर्थ मोड हमने एक्टिवेट किया, यहाँ पे हमारा आ गया सैंड मोड एक्टिवेटेड। और ये हमारी मर्जी है, 4x4 लो 4 हाई, अब जैसे भी कर सकते हैं। इसको कर देते हैं पहले नॉर्मल पे, ये हो गया नॉर्मल मोड एक्टिवेटेड, 4 लो कर दिया हमने बंद। ये हमारा मैनुअल मॉडल, तो उसमें मिल जाती है मैनुअल 6 ट्रांसमिशन गियर्स, और यहाँ पे पार्किंग इंडिकेटर्स के लिए होगा मैनुअल, तो इसमें मिल जाती है हमें यहाँ पे गियर, साथ में मिल जाता है यहाँ पे 6 इंचज का डिस्प्ले। और इसमें सबसे अच्छी बात हमें मिल जाता है इसमें ड्यूल एसी, यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है पार्किंग बटन, और ये पार्किंग ऑन होगी, हेड मिल जाता है, यहाँ पे हम अपने स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। आगे टेलीस्कोपिक नहीं है बट हाँ, ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम आराम से। और यहाँ पे मिल जाता है हमें इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन साइड में, और उसी के साथ हमें पीछे का दिखा देता हूँ आपको। भैया हमें इसमें अंदर की साइड मिल जाता है फुली लेदर डैशबोर्ड, और इस साइड में हमें डोर्स पे भी पूरा लेदर मिल जाता है, और इधर पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। और आपको दिखाता हूँ पीछे की साइड, पीछे की साइड आते हैं, पीछे की साइड भाई बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है, आप जहाँ देखना मत पीछे की साइड। पीछे की साइड हमें ग्लास व्लास ग्लास होल्डर मिल जाता है बीच में, और यहाँ पर हमें मिल जाता है पीछे जाने के लिए ये लीवर, और ये ऑटोमेटिक सीट। आगे आपको दिखा देता हूँ पीछे गन मचा हुआ है बहुत ज़्यादा, पीछे की सीट दिखा देता हूँ। तो भाई पीछे की जगह मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ बैठना, वैसे सही है मैं कभी बैठा नहीं यहाँ पे, पर बढ़िया है, मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। चलो भाई निकालो ये निकाल, अरे फंस गया क्या, अरे फंस गया नीचे खुलेगी जूती है। और भाई आपको इसकी लेंथ विड्थ और हाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी क्या क्या हमें मिल जाती है। और भाई ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है रिव्यू की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा आजकल यार। और ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, गाड़ियाँ आती रहेंगी, वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आई होप आप इस वीडियो को इन्जॉय करेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, बाय बाय।